दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने डिफेंस क्लासेस पर। साथ ही इस वीडियो में बात करूंगा आपके मुख्य सेविका की आंसर की आने के बाद आपकी कट ऑफ वगैरह पर क्या डिफरेंसेस देखने को मिलेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए मैंने आपको पहले भी बता रखा था, देखिए आप लोगों ने पहले भी आपने देखा कि आपके जितने भी नंबर वगैरह आपके बन रहे थे आसपास, देखिए आपका जो आंसर की आने के बाद भी आपके नंबर उतने ही हैं। बस आप में से देखिए कुछ जो यूट्यूब वगैरह पर जो हम लोगों ने या सभी ने दोस्तों जो गेस किया था कि आपका इसका आंसर ये होगा, जैसे मान लीजिए एक आपका 750 ml को था कि ORS को कितने ml में मिलाया जाता है। दोस्तों हम लोगों ने सभी ने 750, उसको आयोग ने कितना 1000 के आसपास माना है दोस्तों, 1000 ml मान रखा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से अगर आप लोग देखोगे तो इस तरीके से आपके 5 से 7 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो सभी बच्चियों के, यानी सबके गलती हो गई, यानी सबके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के गलत हुए हैं। तो देखिए मैं आप सभी साथियों से कहना चाहता हूँ, सभी बच्चियों से कहना चाहता हूँ कि देखिए अब आपकी जो कट ऑफ होगी वो थोड़ा सा आपकी कम, क्योंकि देखिए आप में से सभी लोगों ने वो गेस किया था जो आपने क्या किया था, आप लोगों ने जो आपका आंसर यूट्यूब पर मिला करके आप लोगों ने माना था। तो जैसे मान लीजिए किसी का 55 बन रहा था, किसी का 60 बन रहा था, किसी के 48-45 बन रहे थे, इस तरीके से आपके बन रहे थे, लेकिन वो आंसर तब थे जब आप लोगों ने यूट्यूब के आंसर को देख करके ही आप लोग अपना स्कोर गेस कर रहे थे। लेकिन अब देखिए जो ऑफिशियल आपका, जिसको जो है कह सकते हो, जिस पर आपकी कॉपी चेक होगी, यानी जिस पर आपका UMR चेक होगा, जो आपका एग्जैक्ट नंबर बनेगा, अब वो आप लोग अपना मिला मिला करके सभी लोग देख चुके होंगे दोस्तों। और देखिए मेरे पास कम से कम 25-30 कमेंट दोस्तों इस तरीके के आए, किसी के 5 नंबर कम हुए हैं, किसी के 7 नंबर कम हुए हैं, किसी के 6 नंबर कम हुए हैं। इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं कि लगभग जितनी भी लड़कियां थी, जितने भी मुख्य सेविका के स्टूडेंट थे, बहुत सारे लोगों के 5 से 7 नंबर आपके कट ऑफ में कमी देखने को मिली है। अब देखिए मैं आपको एक चीज़ बता दूं, मैं दोस्तों आपको कोई कट ऑफ नहीं, मैं आपको इतना ही चीज़ें बता सकता हूं कि आपका जब भी आंसर की जारी हुआ उसके बाद आप लोग देख रहे हैं लगातार आपके जो भी स्कोर, जिनके 60 स्कोर बन रहे थे वो 52-53 पर आ चुके हैं। देखिए मैं एक कैटेगरी के लिए बोल सकता हूँ, एक कैटेगरी आपकी है ये, देखिए इसमें कितने फॉर्म पड़े हैं ये भी नहीं कुछ पता है, कितने बच्चों ने उस समय आपका यस टिक किया था, आपका EWS सर्टिफिकेट उनके पास था या नहीं था, ये सारी चीज़ें भी आपकी डिपेंड करेंगी। देखिए मैं इतना कह सकता हूँ आपके साथ, देखिए कि कितना स्कोर जाएगा, कितने पन का सिलेक्शन हो पाएगा, ये देखिए अगर आपको बताना भी वो बहुत जल्दबाजी होगी, लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि आपका चाहे OBC की बात करें, आपका जनरल की बात करें, ठीक है ना, इन दोनों कैटेगरी से, ठीक है, इन दोनों कैटेगरी से कम कट ऑफ इनका रहने वाला है। और ये भी बता दूं आपको कि OBC से काफ़ी कम कट ऑफ इनका रहने वाला है। और देखिए जनरल का कट ऑफ तो सबसे हाई फाई होता है, आप लोग जानते ही हैं, उसके बाद आपका OBC होगा और फिर इनका होगा। और इवन मैं कह सकता हूँ कि SC ST इनके आसपास रहेंगे, कहीं हो सकता है SC ST से भी कम ये ना चले जाएँ, क्योंकि ये एग्जैक्ट रूप से किसी को नहीं पता है कि EWS वालों के साथ क्या होने वाला है। जैसे आप लोगों ने इसके पहले फीमेल हेल्थ वाले में देखा था, जो आपका हेल्थ सर्विसेज वाले में, तो वहाँ पर देखिए आपका 3 नंबर कट ऑफ गई थी EWS की। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि देखिए आपकी भर्ती 2021 की है, ठीक है, EWS आपका 19 में तो आ गया था, लेकिन उसका प्रोफाइल पता चलते चलते या उसको ये फॉर्म ही बहुत कम बच्चियों को पता चल पाया था। अब उसमें कितने लोगों ने फॉर्म को लगाया, यानी कितने लोगों ने EWS लगाया, तो ये बहुत ही अपने आप में एक कह सकते हैं कि बेमानी सी बात है कि कन्फर्म रूप से किसी को नहीं पता कि कितने लोगों ने EWS के सर्टिफिकेट को लगाया था। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, जो भी हमारे EWS के साथी हैं, अगर उन्होंने EWS लगा रखा है तो आप लोग थोड़ा सा निश्चिंत रहिए, आपको निश्चित रूप से देखेंगे आपका कट ऑफ सबसे कम जाने वाला है इस एग्ज़ाम में। जिनके भी दोस्तों मेरे हिसाब से अगर 40 या 40 से ज़्यादा अंक बन रहे हैं EWS में, वो अपने आप को मेरे हिसाब से उनका नाम पूरा पूरा आने के चांसेस हैं, ठीक है ना, पूरा चांसेस है उनके नाम आने का, ठीक है ना। अब आप लोग अच्छे से आगे जो भी आपकी एग्ज़ाम से उसकी तैयारी करते रहो, बहुत ही जल्द आपका जो है 1 से 1.5 महीने में इसका रिजल्ट वगैरह भी आपका आ जाएगा, आपकी सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी। और देखिए जो आपका EWS मांगा गया आप लोगों से, वो आपका जब नोटिफिकेशन आया था 2022 में, उसके पहले का आपका बना होना चाहिए, इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिए। अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा, हम लोग उसका रिप्लाई करेंगे, ताकि आगे आने समय में जब आपका DB हो या कोई और आपके प्रोसेस हो, उसमें आपको बाहर ना होना पड़े, इन सब बातों का आप लोग ध्यान रखिएगा। आज के लिए इतना, अगर आप लोगों को सारी चीज़ें पसंद आती हैं चैनल से जरूर जुड़िए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।